मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होई। नमस्कार, आज हामी वृन्दावन धाममा रहेको प्राचीन मीराबाई मन्दिर आइपुगेका छौँ। यो त्यो स्थान हो जहाँ मीराबाई आजभन्दा करिब 500 वर्ष अगाडि आएर आफ्नो जीवनको 15 वर्ष कृष्णको भक्ति भजन एवं ध्यान गरेर बिताउनु भएको थियो। जब उहाँ पहिलोचोटि वृन्दावन आउनुभयो, भगवान कृष्ण जसलाई 6 वर्षको उमेरदेखि आफ्नो पति मानेर जसका लागि आफ्नो सारा जीवन कुर्बान गर्नुभयो, उहाँ विचरण गरेको खेलेको ठाउँ, रासलीला गरेको ठाउँ, त्यहाँ पुग्दा मीराबाईलाई कस्तो महसुस भयो होला। त्यसैले त वृन्दावन प्रतिको आफ्नो प्रेम र श्रद्धा आफ्ना कयौँ कविताहरूमा गहिरो भावमा दर्शाउनु भएको छ। यस मन्दिरभित्र कृष्णको दायाँतर्फ मीराबाई हुनुहुन्छ भने बायाँतर्फ राधा रानी विराजमान हुनुहुन्छ। मन्दिरमा मीराबाईको भजन मण्डली पनि देख्न सकिन्छ, जहाँ बसेर एक ताराको सुरमा उहाँले कृष्णप्रति समर्पित कयौँ कविताहरू रचना गर्नुभएको थियो। मीराबाई मन्दिर नजिकै रहेको राधा दामोदर मन्दिर, जहाँ श्री जीव गोस्वामी ध्यान एवं तपस्या गरेर बस्नुहुन्थ्यो, उहाँले जीवनमा कोही पनि स्त्रीको दर्शन गर्दिन भनेर प्रतिज्ञा लिनुभएको थियो। जब यो कुरा मीराबाईले थाहा पाउनुभयो, उहाँलाई आश्चर्य लाग्यो। यस्तो प्रेमल भूमिमा बसेर कसैले त्यस्तो प्रतिज्ञा कसरी लिन सक्छ? उहाँलाई त्यसको कारण जान्न मन लाग्यो र एक दिन मीराबाई जीव गोस्वामीजी रहेको मन्दिरमा जानुभयो, तर उहाँका शिष्यहरूले गेटमा नै उहाँलाई रोक्छन्। त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले थाहा पाएँ कि हजुरहरूका गुरुले कोही स्त्रीको दर्शन गर्न चाहनु हुँदैन रे, म त्यसको कारण जान्नको लागि यहाँ आएको हो। र त्यत्तिकैमा भित्रबाट उत्तर आउँछ, स्त्री भनेको माया मोहको जाल हो, भक्तिमा बाधा ल्याउने कारक हो। त्यो सुनेपछि मीराबाईले प्रतिउत्तरमा भन्नुहुन्छ, मलाई त यति मात्र थाहा छ कि यो सारा वृन्दावनमा एकमात्र पुरुष हुनुहुन्छ र त्यो मेरो गिरधर गोपाल हो, बाँकी त सब गोपी समान हुन्। यस भूमिमा आउँदा स्वयं महादेवले त एक स्त्री यानकि गोपीको भेष धरेर गोपेश्वर महादेवको रूपमा आउनुभएको थियो भने हजुरले स्त्रीलाई कसरी त्यस्तो दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्नुहुन्छ? हजुरले सम्पूर्ण नारीहरूलाई आफ्नो आमाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस्, जसको आँचलमा लुकेर कुनै दिन स्तनपान गर्नुभएको थियो। भनिन्छ, यस धाममा त हरेक वृक्ष वृक्ष पात पातमा पनि राधा र गोपीहरूको बास छ रे। यति भनेर मीराबाई त्यहाँबाट जानुहुन्छ। जब पछि गोस्वामीजीले थाहा पाउनुहुन्छ, त्यो स्त्री अरू कोही नभएर मीराबाई हो, जसले श्रीकृष्णलाई बच्चादेखि आफ्नो पति मान्नुभएको थियो। त्यसपछि आफूबाट धेरै ठुलो भूल भएको महसुस गरी उहाँले मीराबाई बसेको मन्दिरमा गएर उहाँसँग माफी माग्नुहुन्छ। मीराबाईले उहाँलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ र फेरि आफ्नै मन्दिरमा कृष्णजीको लागि भजन गाउन थाल्नुहुन्छ, जुन भजन मण्डली हामीले अहिले पनि यस प्राचीन मीराबाई मन्दिरभित्र देख्न सक्छौँ। यस मन्दिरको ऐतिहासिक महत्त्वका बारेमा हामीले वर्षौँदेखि यहाँ बसेर पूजा गर्दै आउनुभएका पुजारीजीसँग पनि सोधेका थियौँ। उहाँलाई सुनेपछि हजुरहरू अझै प्रष्ट हुनुहुनेछ।
श्रोमणी श्री मीराबाई की जय। ये वो प्राचीन स्थल है जब आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व चित्तौड़ की राजरानी भक्त मीरा वृंदावन में पधारी थी, तब इसी प्राचीन स्थल पर मीरा जी ने 15 वर्ष तक श्री गिरधर गोपाल की उपासना की थी। मीरा जी को ब्रज में लाने वाले हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया और मीरा जी लगभग 15 वर्ष तक इसी स्थल पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना में अपना संपूर्ण जीवन बिताया। तो ऊपर के सिंहासन में मीरा जी के प्यारे गिरधर गोपाल हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सो। गिरधर गोपाल के दाहिने हाथ पर मजीरे लिए मीरा जी हैं और बाएं हाथ पर श्री राधा रानी हैं। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम का दर्शन है। नीचे के सिंहासन पर परम दिव्य उत्सव विग्रह श्री राधा मनोहर जी की विराजमान है, जो प्रमुख प्रमुख उत्सवों पर प्रिया प्रीतम बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। अब कृपया आप लोग ध्यान से दर्शन कीजिएगा, इन्हीं के समीप में मीरा जी के वो प्राचीन शालिग्राम भी हैं, जो मीरा जी के पति बहुत सज्जन थे। जब वो युद्ध में शहीद हो गए तो गद्दी पर सौतेला देवर राणा विक्रमजीत सिंह बैठे, जो मीरा जी को अत्यंत कष्ट दिया करते थे क्योंकि वो श्री कृष्ण भक्ति को नहीं मानते थे। प्रथम मारने के लिए मीरा जी को विष का प्याला भेजा, वो अमृत बन गया। तदुपरांत फूलों के पिटारे में छिपा करके जो भयंकर सर्प रख भेजा था, राणा सांप पिटारी भेजा शालिग्राम भया, वो शालिग्राम आपको दर्शन दे रहे हैं। इन शालिग्राम जी की मुख्य विशेषता यह है कि मीरा जी के नयनों अखियों से जो प्रेम अश्रु के बिंदु कण गिरे हैं, उनसे शालिग्राम जी में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का भाव जागृत हो गया और शालिग्राम जी में जो नेत्र विद्यमान हो गए हैं, कर्ण के छिद्र हैं, नासिका है, अधरों पर मुरली की पवित्र रेखाएं हैं। जो स्त्री पुरुष इस प्राचीन मंदिर में दर्शन का लाभ उठाते हैं, भगवान गिरधर गोपाल जो प्रकट गिरधर गोपाल हैं और ये शालिग्राम जी का प्रेम और श्रद्धा से दर्शन करते हैं, उस परिवार में सुख समृद्धि के साथ साथ मीरा जैसी भक्ति और शक्ति का प्रादुर्भाव जाएगा। भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। भारत के समस्त भक्त हृदय सज्जनों से प्रार्थना है कि जब भी प्रभु की आज्ञा अनुसार आपको वृंदावन आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो इस प्राचीन मीराबाई मंदिर का अवश्य दर्शन लाभ करें। अच्छा, मीराबाई यहाँ पर भी आई थी ना गुरु जी? यहाँ 15 वर्ष तक मीरा जी रही है, यही रही है ना, इसी स्थल पर रही, यही मंदिर में, इसी मंदिर में। अच्छा, और यहाँ एक बड़ी अद्भुत घटना भी घटी। जब मीरा जी साधु संतों का दर्शन करते हुए भ्रमण कर रहे थे तब जीव गोस्वामी नाम के परम उच्च कोटि के संत थे। हाँ। जो समीप में ही राधा दामोदर मंदिर में निवास करते थे। अच्छा, ब्रह्मचारी थे जी। और ब्रह्मचारी का अपमान किसी स्त्री का दर्शन करना निषेध होता है जी। इस भाव से वो किसी की नारी का दर्शन नहीं करते थे। हाँ। जब मीरा जी को ज्ञात हुआ कि इस वृंदावन, वृंदावन प्रेम की नगरी है, वहाँ कोई ऐसे दिव्य पुरुष है, तो इसका कारण जानने के लिए तो किस कारण से स्त्री का दर्शन नहीं करते, महाराज के द्वार पर पहुँचे। अच्छा, और उन्होंने एक छोटा सा अपनी कहा कि मेरी भी एक छोटी सी विनती है, प्रतिज्ञा तो नहीं है कि मेरा तो पति गिरधर गोपाल है जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में ब्रज में जिसने जन्म लिया, जिसने गोपियों के संग रासलीला किया, जो श्री राधा रानी के चरणों की सेवा कुंड में जाके किया करता था, इस ब्रज की डाल डाल और पात पात, यहाँ तक कि कण कण में राधा गोपियों प्रकृति का वास है। कितने इतने पुरुष हैं जो भगवान श्री कृष्ण की श्रेणी में, किंतु मेरा जो कन्हैया है वो एक ही है, एकम ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सो। महाराज, आपको जन्म देने वाली आपकी पत्नी है माति, जिसकी गोद में खेल पल कर आप इतने बड़े हुए हैं, आप नारी को इस ब्रज में माँ की दृष्टि से देखें, किसी नारी के रूप में मत देखें, नारी माँ के रूप में देखें।
तो अंदर का आपका ये विकार आएगा ही नहीं है कि ये स्त्री है ये पुरुष, ये कहकर मेरा जी वापस आ गया। अच्छा, ये गोस्वामी ने बातों को सुनकर सुना कि ये नारी कोई साधारण है ही नहीं, उनको ज्ञात नहीं था कि मीरा जी पता अपने शिष्यों से पूछे वो कौन थे। महाराज क्षमा करें, वो चित्तौड़ की राज रानी भक्त मीरा थी जिन्होंने साक्षात भगवान को पति रूप में प्राप्त किया। ओ मीरा जी पता नहीं, मुझसे बहुत बारी भूल हुई। वो तो परम तपस्विनी है जिन्होंने भगवान को साक्षात, उनके साथ भगवान रहते हैं। मैं अपने आप को दर्शन से निश्चिंत कर बैठा, नंगे पांव भागे भागे आए, मीरा माँ के चरणों में वंदन करके बोले, माँ मेरे अपराध को क्षमा कर। जिस प्रकार विद्युत के कौंधने से बादल ठट जाते हैं, मेरा ज्ञान रूपी पर्दा क्षण में ही तार तार हो उठा है। आप ही एक ऐसी पवन पावन दिव्य नारी हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया है। अतः आज से जिस परिवार की भक्त नारी, जिस सच्चा हृदय भक्त पुरुष के अंतस्थल में मीरा माँ आप जैसी दिव्य प्रकाश का दिव्य जगमगाएगा, उस भक्त और परिवार के समस्त कष्टों को प्रभु उसी प्रकार से हरण करेंगे जिस प्रकार मीरा माँ तुम्हें जहर का प्याला भेजा प्रभु गर्दन पार में हमक। ये प्राच कभी आपको और समय से आएंगे विस्तृत कथा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हमारा तो ये पुरानी पुरातन पीढ़ी होने के कारण परम कर्तव्य रहता है जी। तो मीरा जैसा बनना, लोग कहते मैं मीरा हूँ, मीरा तो मीरा ही थी। बिल्कुल, और मीरा का तात्पर्य यह है कि प्रेम भक्ति, प्रेम को आगे बढ़ाओगे तो मीरा का प्राप्ति का द्वार खुलेगा, प्रभु आपके साथ हो जाएंगे। बिल्कुल, यदि द्वार नहीं खुला तो समाज में भटकते रहोगे, मकड़ी का जैसा जाला होता है उसमें मक्खी वगैरह फंस जाती है, ऐसी संसार जाला है। और जाले से मुक्त होना है तो मीरा मंदिर में आकर के और दर्शन करें, और वो चंद प्रेम की आंसुओं की बूंदों को ग्रहण करें जो आपके हृदय के संताप को दूर करें। बहुत बहुत जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।